सभी दोस्तों को मेरे प्यार में नमस्कार। दोस्तों आशा करता हूँ आप सब भी अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम लेकर आए हैं अलवर के जो सिटी पैलेस है उसकी वीडियो। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बता देते हैं, अलवर को राजपुत्रों का शहर के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ यह शहर राजस्थान का सिंह द्वार और आदिकाल में यहाँ पर जो मत्स्य देश के नाम से भी जाना जाता है, यहीं पर महाभारत के शक्तिशाली नायक पांडवों ने 13 वर्ष तक अज्ञातवास बिताया था और अंतिम वर्ष यहीं पर बिताए थे पांडवों ने। इसी परंपरा को विराटनगर में क्षेत्र में पुण्य देखा जा सकता है और 1500 ईस्वी में इसकी उत्पत्ति हुई थी। हरे भरे जंगलों, फूलों, लताओं और अरावली की पहाड़ियों आदि की गोद में बसा हुआ है अलवर शहर। और सुंदरता, महल, शांत झील पर्यटकों को अत्यधिक आकर्षित करता है। तो आज हम आपको बता देते हैं, तो सिटी पैलेस को 1793 ईस्वी में बख्तावर सिंह ने बनवाया था और उसी सिटी पैलेस के अंदर आज जो संग्रहालय है, म्यूजियम देख सकते हो और यहाँ पर जो अब इस टाइम गवर्नमेंट के काफ़ी ऑफिस चल रहे हैं वहाँ पर। सिटी पैलेस के जस्ट बाहर भी देखोगे मौसी महारानी की छतरी, ऊपर देखोगे बालक किला है। तो ये अरावली जो पहाड़ी है उसकी गोद में बसा हुआ है अलवर। तो चलते हैं और वीडियो करते हैं स्टार्ट। अलवर की सिटी पैलेस अलवर के बीचों बीच और अरावली पहाड़ियों के साइड में बसा हुआ। पैलेस की बात की जाए तो यहाँ के राजा हुआ करते थे बख्तावर सिंह। बख्तावर सिंह जी के द्वारा 1793 ईस्वी को इस महल का निर्माण किया। पैलेस के मध्य में एक कमल के फूल का आकार का मंडप बनाया गया है जो संगमरमर से निर्मित किया गया। कमल के फूल का आकार का संगमरमर से बनाया गया है, ये इसकी सुंदरता को और अच्छा बना देता है, सुंदरता को बिखेर देता है, काफ़ी अच्छा है। पैलेस के अंदर राजपूतानी व इस्लामिक शैलियों का सामवेक अच्छे से किया गया है। यह जो गुलाब का फूल है ये संगमरमर से निर्मित किया गया है, यह इसकी सुंदरता को और अच्छा बिखेर देता है और अच्छी सुंदरता को मजबूत करता है, सुंदरता में 4 चांद लगा देता है।
देख सकते हो कुछ इस प्रकार से निर्मित किया गया है। इसमें आप संग्रहालय है, ऊपर की तरफ आप देख सकते हो यहाँ पर कुछ म्यूजियम है जो इसमें ऊपर की तरफ है। सिटी पैलेस अलवर के अरावली पहाड़ियों के मध्य में गोद में बसा और इस जगह पर इनकी रानियाँ रहा करती थी। इन सीढ़ियों से ऊपर चलते हैं तो ये संगमरमर से निर्मित की गई है, रेड पत्थर से आप देख सकते हो, ये रेड पत्थर से निर्मित है सारी। छतरी को आप देख सकते हो किस प्रकार से बनाया गया है चारों तरफ से, और ये रेड पत्थर से निर्मित है। इसके मध्य में जो गुलाब का फूल बनाया गया है ये इसकी सुंदरता को दर्शाता है। इस प्रकार से एक साइड में महल बनाया है जो रानियों के लिए बनाया गया है। ये वाले देखिए रानियों जो इनके अंदर से दिखाई नहीं दे तो इस प्रकार से जालियां लगाई गई। जब राजा चढ़ाई करता था तो रानियां इसी महल से उनको देखती थी, तो ये मेन गेट है, इससे राजा बाहर निकलता था। वीडियो